चलो, कल जो है जनरली हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में देखे हुए थे, ठीक है। और एक जो कंडीशन है, हम सब ये कंडीशन देखे हुए थे कि किस तरीके से होता, और कुछ क्वेश्चंस देखे थे इस पे। और एक फॉर्म बात किए थे हमने कार्ड के बारे में, डाइस के बारे में और कॉइन के बारे में, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और इसके ऊपर आने वाले एक क्वेश्चन, मतलब किस तरीके से आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन के रूप में रहता है, हमें कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और देन ये तो अलग, ठीक है। यहाँ से अब आगे आगे हमें बढ़ना है भैया। अब देखो ध्यान से, समझ मान लेते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब रहेगा यहाँ पर हेडिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखेंगे, हेडिंग रहेगा भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि हमें निकालना है यहाँ पर, जैसे गिवन दिया हुआ कि ए और बी आर टू इवेंट है ना, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम किसी के लिए भी निकालते हैं। जैसे अगर मुझे दिया हुआ है द गिवेंट ए गिवे मतलब निकालना है ऑफ द इवेंट ए गिवेन डैट बी हैज अकर्ड, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर मैं ए अपॉन बी के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, है ना, ए के कंपैरिजन में जो इवेंट ए है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए के लिए, है ना, किसके फॉर्म में, तो बी हैज बीन अकर्स। इस कंडीशन से प्रोबेबिलिटी हो जाता है भैया इन दोनों का, ए और बी का आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए बी, है ना, और अपॉन में हो जाता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस याद रहे यहाँ पर कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, है ना। नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक फॉर्म आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अगर मैं दूसरे कंडीशन से बात करूँ कि अगर मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए निकालना है, तो यहाँ पर भी सबसे पहला कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन अपॉन में यहाँ पर क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं आप, ए के अकॉर्डिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। देन आपको यहाँ पर पी ऑफ ए जो है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रोबेबिलिटी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंडीशन में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक चीज़ याद रहे कि ये हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, है ना, ये बहुत इजी फॉर्म है। अगर आपने सेट्स का कंसेप्ट पढ़े होंगे, सेट्स में एक कंडीशन है कि अगर कोई ए और बी, अगर ए और बी कोई नॉन म्यूचुअल है, जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे सपोज मान लो कि आपने यहाँ पर सेट्स के कंडीशन में हम बात करेंगे, तो सेट्स में आपने पढ़े होंगे कि अगर कोई ए और बी है, मतलब ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं, है ना, तो मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए यूनियन बी का, तो ये बराबर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, और प्लस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, और माइनस हमें लेना पड़ता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या लेना पड़ता है, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर या तो हम इस फॉर्म से लिख सकते हैं, या आप अगर आप इसको पहले निकाल लेते हो, ए इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हो, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगेन माइनस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्म से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से बात करेंगे, और कुछ रूल्स है, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे मेथड होगा, क्या कंडीशन है, फिर आगे हम बात करें। जैसे एग्जांपल के रूप में सपोज मान लो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल आपको बोला है कि इफ पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये गिवन है, ये आपको बोल रहा है यहाँ पर 6/11 है, ठीक है। देन आपको ये भी बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो भी आपको गिवन है 5/11, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन दिया हुआ है, मतलब यूनियन का कंसेप्ट में दिया हुआ 5/7/11। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड, सबसे पहला कंडीशन फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा,
दूसरा कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी क्या होगा, और तीसरा कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं तीनों कंडीशन के बारे में बात करेंगे, आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगर मैं सबसे पहला कंडीशन फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसी बी निकालने के लिए या तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का और प्लस में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन किसका तो बी का। ठीक है, अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दिया हुआ है 7/11, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/11 बराबर, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन दिया हुआ है यहाँ पे 6/11, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/11 अगेन प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें गिवन दिया हुआ है, कितना दिया 5/11 है ना, और माइनस क्या है बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कैसे निकलेगा यही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसको अगर इधर ला लेते हैं, इसको इधर लेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ और इसको राइट साइड लेके जाइए, है ना, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा भैया ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपका वो 6/11 प्लस में 5/11 और माइनस क्या करना पड़ेगा 7/11। आपको पता है यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 11 होगा, इसको 6 प्लस में 5 लिख सकते हैं और माइनस में क्या लिख सकते हैं 7, तो 6 प्लस 5 करेंगे 11 और माइनस में 7 कितना हो जाएगा 4/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आपका आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो कुछ 4/11 के बराबर। क्लियर यहाँ तक? सीधा आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और देन फाइंड आउट करना है जो भी कंडीशन बोला है। अब देखो ये तो पहला कंडीशन हमारा हो गया है ना, जो फर्स्ट कंडीशन पूछा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालने के लिए। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे दूसरे कंडीशन के बारे में बात करूँ, दूसरा कंडीशन हमें भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे ए अपॉन में बी, इसके लिए फॉर्मूला मैंने अभी अब बताया हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए और डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बी के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब देखो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी फाइंड आउट किया भैया, आपने अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना फाइंड आउट किया 4/11, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करेंगे तो 5/11 है ना। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो 4/11 है और अपॉन में कितना है 5/11। एक चीज मुझे बताओ 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 4/5 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी जो आएगा आपको वो कितना आएगा 4/5, एक ही आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी हमसे पूछा हुआ है, यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी हमसे पूछा हुआ है। थर्ड कंडीशन हमसे क्या पूछा हुआ है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है पी अपॉन बी का। देखिए यहाँ पे ये तो फिक्स रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11 ये रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें कितना हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन ए की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है बी अपॉन ए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है 4/11 है ना, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आपको कुछ 6/11 दिया हुआ है, तो अगेन 11 से 11 कट जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा भैया 4/6। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप का प्रॉब्लम में करना है, मतलब ये जो है आप निकाल रहे हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसका तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन ए, ये दोनों कंडीशन से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाए। क्लियर है क्या चीज? हाँ नहीं, वो दूसरा है, मेथड है उसका, ये जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो अगर ए, उसके लिए आपको सेट्स पूरा याद आना चाहिए, जो कंडीशन है कि अगर पी ऑफ एस बाई ए या पी ऑफ ए कर देंगे तो ये वन, मतलब जनरली एक कंडीशन ऐसा है, कंडीशन इसलिए नहीं बोला हूँ अभी
देखो ध्यान से भाई साहब, अगर सपोज मान लो तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए निकालना है, ठीक है। एस क्या होता है? सैंपल स्पेस है। अरे हाँ, ये नहीं, एस क्या होगा? तो पूरा का पूरा सैंपल हो जाएगा ना, और अपॉन ए कर देंगे, तो जिसके साथ निकाल रहे हैं उसमें जो भी कोई कंडीशन हो तो वन के बराबर हो जाएगा। या अगर मैं मान लो ये नहीं समझे क्या क्या कैसे निकाले, बोलना भाई ये कैसे निकाले नहीं समझे। चल देख भैया ध्यान से, ये कंडीशन है, या तो आप इसमें पी ए बाई ए भी कर लो, या इसमें आप पी बी बाई बी भी कर लो, ये सब के सब आपका वन के बराबर होगा। अब देखिए कैसे, एग्जांपल में सपोज मान ले, ध्यान से सुनना, सपोज मान लीजिए, इधर ध्यान से सुनिएगा, सपोज मान लीजिए आप कि आपके पास कोई कॉइन है, ठीक है। अगर कॉइन को आप दो बार टॉस करते तो इसका सैंपल स्पेस कितना होगा भैया? तो हेड टेल या टेल हेड, आपको पता है टेल टेल हो सकता है और हेड हेड है, मतलब इसकी कंडीशन यहाँ पर बात करेंगे तो एन ऑफ एस कितना होगा? बोलिए यहाँ पर चार हो जाए, है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई एक इवेंट्स ले रहा हूँ यहाँ पे भैया, अगर कोई मैं इवेंट्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एक चीज मुझे बताओ, इवेंट्स में मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ कि ओनली वन हेड के लिए, किसके लिए? वन हेड, वन हेड की बात करूंगा। तो वन हेड में कौन कौन आएगा भैया? तो एक हेड टेल आएगा, और दूसरा क्या आएगा? टेल हेड आएगा, यही आएगा ना। इतना क्लियर है? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकाल देते हो, एस इंटरसेक्शन ए निकाल देते हो, तो क्या ये ए के बराबर नहीं होगा? इंटरसेक्शन पता है ना, सेट्स में इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन टर्म्स को जो हम निकालते हैं, सेट्स में इंटरसेक्शन क्या होता है? जो कॉमन टर्म्स को निकालते हैं। तो भैया इसमें कॉमन यही दोनों है, ये दोनों है, ये ए के बराबर हो जाएगा। तो अगर ए अपॉन ए करेंगे तो जितना ए है, मान लो यहाँ पर टू है एलिमेंट, एग्जाम्पल ग्रुप में प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स कितना ए है, मतलब जब आपने एस अपॉन ए कर दिए थी, ये भी दो है, तो दो से दो अपॉन कर देंगे कितना हो जाएगा? वन नहीं हो जाएगा, इसीलिए ए अपॉन ए के लिए भी वन और बी अपॉन बी के लिए भी वन, ये इसका प्रॉपर्टीज है। वो तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, जल्दी करेंगे इसको। चलो एक क्वेश्चन से बताता हूँ, इसी टाइप का तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा पूरा, ध्यान से सुनेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे भैया, टू डाइस है थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर probability of getting an even number on first die. If the outcome on the two dice, अरे डाइस है, मैं डाई डाई लिख रहा हूँ, जो भैया सी ई है ना, नंबर ऑन फर्स्ट डाई आर आउटकम ऑन द टू डाइस ऑलवेज एग्जिबिट्स अ सम ऑफ एट, ठीक है। ध्यान से सुनना क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस आपको क्या बोल रहा है, टू डाइस है जिसको थ्रोन करने पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, ऑन फर्स्ट डाइस इफ द आउटकम ऑन टू डाइस ऑलवेज एग्जिबिटिंग अ सम ऑफ, क्या निकालना है मुझे, हमें एट निकालना है, ठीक है। तो दो कंडीशन हमें दिया हुआ है, एक तो सबसे पहला कंडीशन आपको क्या बोला है कि देखो ध्यान से सुन लो, इधर सुनिए भाई, दो डाइस को जब थ्रो करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोले, दो डाइस को जब थ्रो करेंगे तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक पहले इवेंट्स के लिए
जिसमें आपको सिर्फ इवन नंबर आ रहा है ना, और वो भी इवन नंबर किसमें, तो ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब फर्स्ट कंडीशन में जब थ्रो करेंगे तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ इवन नंबर आएगा। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द आउटकम ऑन द टू डाइस ऑलवेज एग्जिबिट अ सम ऑफ कितना होगा, 8 होगा। तो ये कंडीशन आपको निकालना है यहां पर, और देन प्रोबेबिलिटी दोनों का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा। ध्यान से समझेंगे, एक चीज मुझे बता कि अगर दो डाइस है तो उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भैया, भाई 36 टोटल सैंपल स्पेस होगा, मतलब आप बोल सकते हैं 1, 1 होगा, देन 1, 2 होगा, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है। देन इसी तरीके से 2, 1 है ना, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और क्या होगा, 2, 6 है ना, देन 6, 1 आपको लिखना पड़ेगा पूरा। जब तक आप ये 36 टर्म्स लिखेंगे नहीं तब तक आपको आंसर में जो इवेंट्स बोला है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं एग्जाम में भी या सॉल्व करते टाइम पे भी आप ऐसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे जिससे कि आसानी से आपको आउटकम जो आने वाला था, जो इवेंट्स है वो मिल सके। 4, 1, 4, 2, 4, कितना है, 3 है, 4, 4, 4, 5 और कितना है भैया, 4, 6 है। देन आपका 5, 1 है, 5, 2 है, देन 5, 3 है, 5, 4 है, 5, 5 है और क्या है, 5, 6, और देन क्या आएगा, 6, 1 आएगा, 6, 2 आएगा, 6, क्या आएगा, 3 आएगा, 6,4 आएगा, 6,5 आएगा और लास्ट में क्या आएगा, 6, 6 है ना। यही टोटल सैंपल स्पेस, अगर मैं एन ऑफ एस की बात करूं ये टोटल कितना हो जाएगा भैया, 36। अब देखो कोई एक इवेंट, सबसे पहला कंडीशन क्या बोला है, ए की बात कर लेते, ए सबसे फर्स्ट कंडीशन ए में आपको इवेंट्स में क्या बोला है कि आपको वही नंबर चाहिए जिसपे फर्स्ट डाई क्या होगा भैया, इवेंट होगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला टर्म्स है फर्स्ट डाई का है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3, 4, 5, 6, ये पहला वाला नंबर क्या है, फर्स्ट डाई का है, और ये पहला वाला ही इवन नंबर चाहिए। तो इवन किस किस में भैया, तो एक 2 होगा, एक 4 होगा और 6 होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6 है ना। देन 3 नहीं होगा, 4 लेंगे, 4, 1 हो जाएगा, 4, 2 हो जाएगा, 4, 3, 4,4, 4,5 और 4, 6। देन आपका 6, 1, 6, 2, 6,3, 6,4 और 6,5 हो जाएगा, और देन लास्ट क्या है, 6, 6 है ना। अब इसमें दिखा दो नंबर कितना है इसका, तो देखो 6, 6, 12 और 6 कितना हो, 18, टोटल कितना हो जाएगा, 18। ये क्लियर है, अब ध्यान से समझेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, जो यदि आउटकम ऑन द टू डाइस ऑलवेज एग्जिबिट अ सम ऑफ 8, मतलब दोनों डाइस का, जैसे यहां पर 1, 1 है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 कहां से पॉसिबल है, तो भैया देखो 1, 1 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, 3, 1 करेंगे, ये भी नहीं, 4, 1 नहीं करेंगे, 5, 1 नहीं करेंगे, 6, 2 देखिए, 6, 2 हो जाएगा, 5, 3 हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, 4, 5 हो जाएगा, 3, 5 हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा। एक डायगोनल लाइन जहां जहां बनाया हो, ये जो डायगोनल गया उस जितने लाइन पे उस सारे टर्म्स में क्या मिल रहा है हमें, सम क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब बी जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको 2, 6 आएगा, देन आपको 3, 5 आएगा, हाँ, देन 4, 4 आएगा, देन क्या आएगा भैया, 5, 3 आएगा और लास्ट में क्या आएगा, 6, 2। इसके अलावा और कोई टर्म्स आने वाला है क्या जिसका सम 8 होगा, नहीं ना। जोड़िए इसमें कितना है, अगर ऑफ एन ऑफ बी की बात करें कितना होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 है ना। चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। पहले आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, तो भैया हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन ऑफ एस, बोलिए तो, है ना। तो एन ऑफ ए कितना है, 18 था, 18 है,
और ये कितना है 36, मतलब कट के कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आपको आएगा वो कितना आएगा भैया, 1/2 आएगा। क्लियर यहां तक? अच्छा अब देखो ध्यान से, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस। देखिए एन ऑफ बी कितना है, 5 आया है, तो 5 बाई कितना होगा 36। इसको कट तो नहीं सकता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, 5/30। देखो यहां तक आपसे पूछा हुआ था, अगर इसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ दिया तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में क्या होगा भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। अच्छा भाई एक चीज मुझे बता, इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा टर्म्स है, ए यूनियन बी है ना, इसका भी हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा इन दोनों में अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखो तो 2.6 ऑलरेडी आ रहा है, यानी तो डायरेक्ट हम ये इंटरसेक्शन ही निकाल सकते भाई, है ना। हम डायरेक्ट इतना फॉर्मूले पे लगाने से अच्छा हम यहाँ पर इंटरसेक्शन ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बता रहा हूँ, एक चीज बता, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ भैया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, कॉमन टर्म क्या 2.6 है यहाँ पे, बिल्कुल है, मतलब 2.6 भी आ जाएगा। अच्छा 3.5 है, नहीं है, है क्या, नहीं है, देखिए ना कहीं है यहाँ पे। अरे भैया ये पहला नंबर ऑड है और इसमें जो है इवन वाला ही है, 4.4 जरूर होगा इसमें, हाँ नहीं, देन देखिए 5.3 नहीं होगा और 6.2 होगा, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या करेंगे भैया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या हो जाएगा भैया एन एस, हाँ या नहीं, सैंपल स्पेस तो यही है आपका 36, तो इसकी वैल्यू कितना होगा भैया, 3/36 रहने दीजिए, और इसको कट भी कर देंगे 12 या 36 होता है, ये क्या हो जाएगा 1/12, हाँ या नहीं, है ना। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर आपको यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो अभी आपने निकाले हैं भाई यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/12 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 5/36 है, चलिए डालिए यहाँ पे, ये आपको दिया है 1/12 और अपॉन में क्या है 5/36, है ना 12, तो 1/12 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 36 अपॉन में 5, ये 12 कितना हो जाए 36, आंसर कितना होगा भैया 3/5, समझ में आया। अब ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसी में बी बाई ए भी पूछा हुआ है कंडीशनल में, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर से आप देख लीजिए एक बार पीछे जाके, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको क्या निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं और ये तो आपको दिया है अलग से 1/12, चलिए तो क्या होगा भैया 1/12 होगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा 1/2, यही ना, मतलब 1/12 मल्टीप्लाई बाई 2/1 कर सकते, 1 से 1 कट गया, 2 से 6 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/6 आएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते, है ना भैया। आपको इसमें अभी भी बता रहा हूँ, आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिलेगा, है ना। तो सिर्फ आपको ज्यादा कुछ नहीं, यहां पर जो दिया हुआ है फॉर्म ये याद रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बस ये याद रखना है, चाहे किसी भी फॉर्म में। मैंने अभी भी बताया कि अगर आपको यूनियन दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा यूनियन गिवन है ना, और देन इंटरसेक्शन निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, या इसी को मैंने ये सॉल्व किया हूँ, मतलब ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते, दोनों सेम है, है ना। तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कुछ, बोलिए कुछ प्रॉब्लम है ना। अब देखो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट,
देन हम बात करेंगे अब आपके क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का था भाई, ये जो अभी हमने बताया है ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। लेकिन कौन सा क्वेश्चन है बोलिए, कौन सा क्वेश्चन बोलो, बोलिए ना कौन सा क्वेश्चन। ये यहां पर ये देखो, ये ए डैश बी डैश का फॉर्म आप भैया याद रखो, ये जो आप जो हम इसलिए नहीं यहां पर बताए हैं क्योंकि मुझे तो ये लगेगा कि सेट सबको आता होगा, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे भैया तो सेट थ्योरी तो आना चाहिए ना, सेट थ्योरी है पूरा। ये ए डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब यू माइनस में ए होता है। अब यू या तो यू यूज करेंगे वहां पर या तो एस यूज करेंगे, दोनों यू मतलब यूनिवर्सल सेट होगा या एस मतलब सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, है ना। मतलब जनरली अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो इसमें ऐसा होता है, जैसे सपोज मान लो कोई यूनिवर्सल सेट्स आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। देखो अगर आपको कोई फॉर्मूला कंडीशनल में दिया रहेगा ना तो उसको आप प्लीज प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेना। अब बता, अच्छा 0 यहाँ से हटा देते हैं, देखो ध्यान से, तब नहीं समझ में नहीं आता है तो 1 से लेकर 9 तक है भैया, आपको पता है एन ऑफ यू कितना है, 9 दिया है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ए डैश मतलब ए की बात कर लो तो कोई इवन नंबर की बात कर लेते, 2, 4, 6, 8 है ना, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 अगर मैं यहाँ पर n ऑफ a की बात कर लूँ तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा भैया, 1, 2, 3, 4 कितना हो जाएगा, 4। आपको पहले तो ये निकाल लीजिए आपको a डैश कितना होगा, है ना। दो मेथड से सिखा रहा हूँ इसमें, देखो कभी भी ये कंडीशनल कंडीशन निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहला, अच्छा भैया इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे a का, अगर मैं चाहूँ प्रोबेबिलिटी निकालने का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा मुझे बताना, आप बताइएगा क्या 4/9 होगा या नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी, अरे भाई आउटकम आपका 2 ये आया 4 और टोटल जो सैंपल स्पेस कितना है 9 है, तो 4/9 नहीं होगा, फिर मुंह ऐसे देख रहे हो। अब देखिए, अच्छा एक कंडीशन देखो, थोड़ा सा मैं इसमें एक कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको मैं एक फॉर्मूला भी यहां से जनरेट कर दूंगा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, अब ध्यान से समझना। अच्छा ए डैश का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब याद रखना, ये मान लेना ये जो है 1 से लेकर 9 तक है, ये आपके घर के मेंबर है ना, ये आपके घर में 9 मेंबर रह रहे हैं, ठीक है। और ये जो 2, 4, 6, 8 ये भैया कमाने के लिए दिल्ली चला गया, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा जी, 1 से लेकर 9 तक आपके घर में ये मेंबर है टोटल, है ना, 9 मेंबर है, जिसमें से भैया 2, 4, 6, 8 कमाने के लिए कहां दिल्ली चला गया। तब एक चीज मुझे बताओ कि अगर कोई भी पर्सन आपके घर से बाहर जाता है तो क्या उसके लिए भी खाना बनता है आपके घर में, ये ऑब्वियसली बात है नहीं बनेगा। तो एक चीज मुझे बताइए ना, यहाँ पे अगर यू 1 से लेकर 9 तक है तो 2, 4, 6, 8 अगर बंबई दिल्ली कमाने के लिए चला गया तो भैया 2, 4, 6, 8 के लिए तो खाना नहीं बनेगा, बनेगा क्या, तो घर पे खाना किसके लिए बनेगा भैया, तो घर पे खाना बनेगा 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए और 9 के लिए, और यही आपका आंसर ए डैश। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ही होता है, मैंने फॉर्मूला जो लिखा है तो यही है, मतलब ए डैश का मतलब यू में से आप क्या कर रहे हैं, ए को माइनस कर रहे हैं, है ना, टोटल सैंपल स्पेस में से जो ए बोला है उसको आप माइनस कर दीजिए तो यही निकलेगा, क्लियर है ना। अच्छा अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब भैया अगर मैं नंबर ऑफ ए डैश की बात कर लूं तो क्या है, कितना है भैया, 1, 2, 3, 4, 5 है, कितना है यहाँ पर, क्लियर है ना। अच्छा देखो अब ए और ए डैश की बात कर, 4 और 5, 9 के बराबर है यहाँ तक। अच्छा अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की बात कर रहा हूं तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना होगा, 5/9, हाँ या नहीं, बोलना यहां तक सही है। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए एक चीज
कि अगर भैया आप इन दोनों को ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी जब भी आप ऐड करते हो तो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, कंप्लीट। इसका मतलब कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर हम ऐड करते हैं तो अगर ये वन के बराबर नहीं हुआ इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत किया है ना। देखिए भैया वन आएगा, चार बट्टा नौ है प्लस में कितना है ये पांच बट्टा नौ, एलसीएम ले लेंगे कितना होगा नौ, तो चार प्लस पांच आंसर कितना होगा भैया नाइन बाई नाइन, कट के वन आएगा। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं, एक ये फॉर्मूला भी आ जाता है। तो भाई या तो आप इस तरीके से निकालना सीखिए सेट्स के मेथड से, या नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला याद रखते रखते बहुत सारे फॉर्मूला है, कितना याद रखोगे, जब तक आप इसमें खुद से निकालने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तो पॉसिबल नहीं भाई, है ना। तो इसके लिए आपको सेट्स थ्योरी बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मतलब अब देखो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ होगा और आपसे पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है तो क्या मैं इसको नहीं बोल सकता हूं वन माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बोल भाई यही सब लिखा है भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्लियर। अब समझा यहां पे जो तुम्हारा सबसे पहला। अब एक चीज और यहां पर एक कंडीशन और है, जैसे ये दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन ऐसे कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी है, तो भैया सिंपल सा है, आप अलग अलग भी करके जोड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये सब कुछ ये नहीं है, आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, ये भी प्रूफ हो जाता है सेट्स के थ्रू, लेकिन इतना ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। आप ये सब ये सारे फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ दे तो यही फॉर्मूले से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैंने कल बताया हूं पूरे प्रोबेबिलिटी, देखो एक तो वो फॉर्मूला कंडीशनल के बेसिस है, ये देखिए एक तो आपको ये फॉर्मूला कंडीशनल वाला ये आपको याद रखना है, ठीक है, और एक दूसरा फॉर्म अगर हम बात करेंगे जो कल मैंने आपको बताया था, ये तीन प्रोसेस, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछा हुआ है तो भैया यही तीन प्रोसेस से क्वेश्चंस रह सकता है, कॉइन से, डाइस से या कार्ड से, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज आप याद रखेंगे, है ना। अब इसको याद ये नहीं कि रटना है जाके ऐसे ही लेंगे ये ऐसा होता है ये ना भाई, आप दो बार तीन बार लिखो ना कम से कम इस चीज को, दो बार तीन बार इस टाइप के क्वेश्चंस लीजिए ना आप एनसीईआरटी से, सॉल्व कीजिए ना, देन ऑटोमेटिक याद हो जाता है ना। आपको पत्ता नहीं समझ में आता, पत्ता लगा कितने में आता है दूसरे से मांग लो, खेलना मत लेकिन जुआ नहीं हो खेलना भैया, सीखिए पत्ता में कौन कौन सा कार्ड है क्या है, अलग कीजिए वहां पे तब पता चलेगा, है ना। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो भैया ऑब्जेक्टिव में आपको ये चैप्टर से कम पांच से छह नंबर दे देगा, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में ये चैप्टर आपको पांच से छह नंबर दे सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। चलिए हाँ और बोल भाई क्या था तुम्हारा, ये सब तो है। अच्छा देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दोनों को मर्ज कर दिया था, बेकार कर दिया। देखो एक क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है, एक कंडीशन अभी तो देख रहे थे भैया कहां है, हाँ देखो यही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन है इफ ए एंड बी, ध्यान से समझेंगे आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव में दिया है इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी है भैया, जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आपका ए बाई बी, ध्यान से समझना, प्लस में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन में बी, ठीक है, क्या दिया है ए बाई बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी इक्वल्स टू किसके होगा, मतलब भैया पहला ऑप्शन है आपका जीरो के इक्वल्स टू होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है शायद आपका वन के इक्वल्स टू होगा, थर्ड ऑप्शन दिया माइनस वन होगा, और डी ऑप्शन दिया भैया आपका नन ऑफ दीज होगा,
देखिए बस चेंजेस क्या किया समझ में आया ना। देखिए अगर इतना तो हमें भी पता है, देखिए ध्यान से सुन ले क्वेश्चंस क्या है भैया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर ये रहता है तो आपको पता है ये वन होता है ना, ये तो आप सबको पता है। लेकिन यहां पर अलग खेल कर दिया उन्होंने, ये खेल ही किया ना भाई। चलिए ठीक है, अब इसको मैं आपको पुराने वाले क्वेश्चन से समझाता हूं, यही क्वेश्चन से अभी हमने क्वेश्चन निकाले थे, इसी क्वेश्चन से बात करते भैया। तो एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो आपने बी पहले तो कुछ सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो बी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से समझेंगे। आपने बी पहले सेलेक्ट नहीं किए तो बी पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखो हमारे पास ए बी आ गया है, ए डैश बी आ गया, सब कुछ तो आ गया है ना। ये लास्ट क्वेश्चन से भैया 7:10 हो गए। चलिए देखो बी बी हम सेलेक्ट कर लेते भैया, यहां पर ध्यान से समझना। बी हम सेलेक्ट क्या करते हैं, देखिएगा हम बी मान लो जैसे यहां पर इवन नंबर सेलेक्ट किए ना, तो बी के लिए ऑड नंबर ले लेते। चलिए ठीक है, आप बोले ऑड कोई दिक्कत नहीं, क्या है 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एन ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, सही है, यहां तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालता हूं तो ये भी 5/5 कितना होगा, 9 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा भैया अगर आप ए डैश या पहले ए निकाल लो, ए डैश इंटरसेक्शन बी निकाल लेते, क्यों निकालना, रीजन है इसके पीछे, आपको समझ में आएगा जब फॉर्मूला लगाएंगे तब निकालना पड़ेगा आपको क्यों निकालना, रीजन है। ए डैश बी निकालो तो ए डैश कहाँ है भैया, ये है और बी यहां पर, मतलब सारे के सारे तो कॉमन ही है भाई, ये नहीं है मतलब सब के सब क्या है, 1 भी कॉमन है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी। इसका मतलब कि अगर मैं ए डैश इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी की बात करूं नंबर में, तो ये कितने के बराबर, 1, 2, 3, 4, 5 के बराबर। मतलब इसका कंडीशन ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी भी कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, हाँ ये नहीं। अच्छा अब भैया आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तो देखिए आपका ए ये है और बी ये है, नहीं समझे, अरे फाई हो गया, फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, खाली होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए ना आप, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इन दोनों में कोई भी नंबर आपको सेम आ रहा है क्या, तो वैसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, फाई है ना, अगर खाली है कोई भी सेट्स नहीं है। और भैया ए और बी एक दूसरे के प्रति कैसा है, म्यूचुअली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, खाली होगा। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भैया, आप मुझे बता दो क्या, 0 होगा। अच्छा अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं भाई, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो बताना हमें क्या 0/9 किसके बराबर, 0 के बराबर, सही है। अब चलते हैं भैया अब अपने फॉर्मूला क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस आपका यही है, फॉर्मूला देखिए क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है तो इसके लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड में क्या होगा भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। अच्छा बीच में प्लस, देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है मतलब ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या होगा भैया, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, हाँ या नहीं, है ना। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन ले लेता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल के और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन क्या निकाल रहा हूं भैया, बी निकाल रहा हूं। अब क्लियर है यहां तक, सही है ना भैया। अब चलो अब हम बात कर लेते हैं पिछले वाले कंडीशन पे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, 0 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन कितना है भैया, 5/9 आया है, है ना। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा और प्लस में कितना होगा, 5/9 डिवाइडेड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास, कहाँ गया रे, कहाँ गया, 5/ कितना है भैया, 9 है, हाँ या नहीं,
बोलिए कितना है 5/9, तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, समझे। तो आपको जब तक देखो ये चीज सीधा डायरेक्टली रटो नहीं, रटोगे फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा चेंज कर दिया फंस गए, आप रटेंगे बहुत प्रॉब्लम होगा, प्लीज रटिए मत, आप समझने की कोशिश कीजिए उस चीज को, क्लियर है ना। मतलब आप 11th क्लास में नहीं सेट्स पढ़े हैं, प्लीज जाके मैं कुछ कुछ टॉपिक का नाम बता देता हूँ, वो चीज आप पढ़ लेना। देखो सेट्स में सबसे पहला कंडीशन आपको पढ़ना है यूनियन क्या होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं भैया, है ना, कॉम्प्लीमेंट सेट्स। चौथा कंडीशन आपको इसमें एक और है सब्ट्रैक्शन, दो सेट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ना, ये सब चीज आप पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लायर पढ़ेंगे ना तो उसके लिए भैया आपको एक और कंडीशन पढ़ना पड़ेगा जो रिलेशन एंड फंक्शंस में है, जिसको हम जैसे आपने सॉल्व किए होंगे ए क्रॉस बी निकालना, है ना। ये सब चीज ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, आप जाके 11th वाले से भी पूछ लोगे तुम्हारे नीचे रोशन रहता है, मैंने इनको ऐसे ऐसे मेथड लिखाया हूं वो हंसाते हंसाते पेट फुला देगा आपको। ये तो अभी तुम्हें सेट्स भैया एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं डायरेक्ट उसको पढ़ा दूं ना तो किसी को पढ़ लेने पड़े, है ना। लेकिन जो मैंने अभी क्या बोला हूँ, घर के मेंबर दिल्ली बम्बई ये बहुत होता है, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, घर मुंबई दिल्ली, खाना किसका बनेगा, कौन चोर है, कौन डकैत है, सारे टॉपिक है भैया इसमें, तभी आपको और मजा आएगा उस चीज को पढ़ने में, बहुत आसान है। और ये चीज आप डायरेक्ट लर्न नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आप समझेंगे फिर बात करते हैं, चलिए कल हम बात कर लेंगे मल्टीप्लायर पे, एक टॉपिक रह गया है मल्टीप्लायर, इसके बाद बेस थ्योरम है इसका, बेस नहीं बोलते बेस थ्योरम, है ना, तो वो कुछ है नहीं, हाँ चलिए ठीक है। तो कल मल्टीप्लायर पे देख लेते हैं, फिर आपका हो सकता है तो मैं आपको फिर कुछ रिपीट करवा दूंगा, क्वेश्चंस का रिपीटेशन करते हैं बाद में, चलो तो आज के लिए इतना ही भैया, चलो।